छात्रों नमस्कार, मैं इंद्रेश कुमार। आज कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.2 की हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। और प्रश्नावली 3.2 में जो पहला प्रश्न है उसमें ये कहा गया, जो समस्याएं हैं उनके रैखिक युग्म समीकरण बनाने हैं और उन समीकरणों का जो हल है वो ग्राफिक विधि से करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं। ठीक, तो पहली समस्या थी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक, माने लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले या भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माने इस प्रतियोगिता में लड़कियों ने जो भाग लिया तो लड़कों ने जो भाग लिया उनकी संख्या में अलग अलग बतानी है। छात्रों, यहाँ उसने पहले ही प्रश्न में दे रखा है लड़कियां और लड़कों की संख्या वो आपके पास कितनी है, 10। तो हल करते, सबसे पहले मैंने माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। अब यहाँ जो पहली शर्त थी, प्रथम शर्त आपके पास क्या है कि लड़कियां और लड़के दोनों की संख्या टोटल कितनी है, 10। तो लड़के जो थे वो कितने थे यहाँ, x, और लड़कियां कितनी थी, y। इन दोनों को जोड़ दिया और वो किसके बराबर, 10 के। ये आपका समीकरण 1 हुआ। अब हम आगे बढ़ते हो सेकंड शर्त की तरफ देखते। सेकंड शर्त है आपकी, पहली शर्त याद है खत्म हो गई। यदि लड़कों की संख्या से, ये आपके लड़कों की संख्या है, ये लड़कियां थी, और प्रश्न क्या कह रहा, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, माने ये जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, अगर लड़कियों से 4 कम कर दिया जाए दोनों बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो गई तो इनके बीच में हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे और बना x ऋण y बराबर ऋण का 4 समीकरण। या फिर हम ये भी कह सकते कि वो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा हैं लड़कों से, तो 4 हमें आप जोड़ भी सकते थे। अब एक समीकरण आपके पास ये हुआ। इन दोनों को हमें ग्राफी विधि से करना है। कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से हल करना। जब हालांकि विलोपन विधि है, प्रस्तापन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है, पर उसने आपको पूछा है किससे पूछा, ग्राफी। तो जब ग्राफी विधि से करना है तो इतना शायद आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस y बराबर जब 10 था तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 ऋण y, और यहाँ y बराबर 0, 1, 2, 3 .. रखते चले जाए रखने पर। छात्रों, स्टार्ट से एक टेबल बना लेंगे और जब ये y बराबर 0, 1, 2, 3 जब इसमें रखें तो आपकी स्थिति जो बनेगी वो आपकी होगी s y। स्टार्ट से हमने 4 कॉलम बना ली, y बराबर जब यहाँ 0 रखा x बराबर हुआ 10। अब y की जगह यहाँ 1 रखे तो 10 में से 1 कम किया तो क्या बचा, x की जगह 9। ऐसे ही y की जगह 2 रखा तो x बराबर हुआ 10 में से 2 कम करेंगे 8। इसी प्रकार आपको y की जगह यहाँ जब 3 रखना होगा तो आपकी वैल्यू आएगी 10 से 3 कम कर देंगे तो आपकी 7। इसी प्रकार दूसरी स्थिति आपकी क्या थी, दूसरा समीकरण था x ऋण y
बराबर ऋण का चार। तो यहां से हम देख सकते एक्स तथा समीकरण दो से एक्स बराबर बाई ऋण चार, स्थिति हमारी वही रहेगी बाई बराबर एक दो तीन चार या जीरो डॉट 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 रखने पर। छात्रों जब बाई की जगह मैंने यहाँ एक रखा, साइड आपको वही बनानी है इस तरह से एक्स बाई एक दो चार तीन चार, बाई की जगह एक रखा तो ऋण चार में से एक कम करो ऋण का तीन बचा, बाई की जगह दो रखा तो ऋण चार में से दो कम करेंगे ऋण का दो बचा, बाई की जगह तीन रखा तो ऋण चार में से तीन कम करें ऋण का एक बचा, और बाई की जगह हम चार रखेंगे तो चार में से चार करेंगे कम जीरो बचेगा। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ किस से कैसे बनेगा देखिए, इस टाइप से हम बना लेंगे, ये आपका एक्स अक्ष हुआ, ये एक्स ऋण अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपकी वाई ऋण अक्ष है, इस पर धन एक दो तीन चार पाँच छ सात ऐसे इधर ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ऋण चार ऋण पाँच ऋण छ ऐसे ही ऊपर वाई एक्सिस पर धन का एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तक मान लिया, नीचे बाई की ऋण दिशा ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ऋण चार इस टाइप से। अब पहले जो आपका है इसे हम और आगे तक मान लें आठ नौ दस तक, क्या मान लें अधिकतम वैल्यू आपकी दस है। अब यहाँ देखा एक्स पे हमें कितना चलना दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, बाई पे जीरो, कुल मिला के ये आपका एक पॉइंट हुआ। फिर देखा एक्स पे कितना चलना नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और बाई एक्स पर एक, एक आपका लिया कुल मिला के ये सीधा आपकी आएगी इस टाइप से, यहाँ ये नौ कोमा एक का। दूसरा एक्स पे चलना है हमें आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बाई पे तब चलना है दो, तो एक दो इस सिचुएशन में आप ऐसे चले जाइए आठ और दो की सीट पर एक पॉइंट आपका ये हुआ, इन्हें हम रब भी कर सकते हैं। अब एक्स पे हमें चलना है सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और बाई पे चलना है तीन, तो एक दो तीन, एक पॉइंट आपका ये बनेगा। उस सरल रेखा जो आपकी थी एक्स धन बाई बराबर दस, उसका समीकरण या रेखा तो आपकी ये होगी एक्स धन बाई बराबर दस। अब दूसरी कंडीशन थी, दूसरी साइड थी, उसमें क्या है एक्स बराबर ऋण तीन, ऋण की दिशा ये है एक दो तीन, बाई में एक, बाई का आपका एक दो तीन ये होगा, और लास्ट आपका था एक्स पे जीरो चलना हो बाई पे चार, तो एक्स पे तो जीरो यही थी और बाई पे चार ये पॉइंट बना, कुल मिला के ये एक आपकी रेखा स्टार्ट से खींच जाएगी। और इस रेखा में ये देखना है लड़कियों की संख्या होगी वो आपकी सात है और लड़कों की संख्या तीन है, और अगर इनका अंतर देखा जाए तो वास्तव में लड़कों से लड़कियों की संख्या चार अधिक होगी, अतः
लड़कों की संख्या बराबर चार सॉरी तीन और लड़कियों की संख्या बराबर सात। धन्यवाद। ये जब आप ड्रॉ करोगे तो और अच्छा सा ग्राफ बन जाएगा।